नमस्ते सभी को। आज हम लोग 17वें दिन पर हैं इस मॉर्निंग सत्र के। कल तक हम लोगों ने जो चर्चा किया था, उसमें से एक मुख्य चर्चा तो जिसके इर्द गिर्द हम लोग पूरे सत्र को चला रहे हैं कि सुख स्वभाव है या प्रभाव। एक तो इसको समझकर अपने में सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि सुख स्वभाव है, उसका क्या आशय है, क्या प्रक्रिया है, उस पर हम लोग बार बार बात कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये चर्चा किया कि जो मानव की मूल चाहना है निरंतर सुख, ये मूल चाहना निरंतर सुख पूरा होने का कार्यक्रम क्या है। तो ये कार्यक्रम स्पष्ट हुआ कि अपने को, संतार एग्जिस्टेंस को और मेरे संतार एग्जिस्टेंस में भागीदारी क्या है, तो समझ कर वैसा भाव विचार अपने में सुनिश्चित कर बाहर व्यवहार कार्य और व्यवस्था में भागीदारी करते हुए जीना, ये मेरे मूल चाहना की पूर्ति का कार्यक्रम है, अर्थात निरंतर सुखी होने का कार्यक्रम। इस क्रम में हम लोगों ने सबसे पहले अपने आप को समझने का काम शुरू किया। खुद को समझने गए तो ये बात ध्यान में आई कि मानव सेल्फ और बॉडी दोनों का कोएक्सिस्टेंस है, क्योंकि दोनों की आवश्यकताएं अलग है, पूरा होने का तरीका अलग है, क्रियाएं अलग है, रिस्पॉन्स अलग अलग, दो अलग अलग वर्ल्ड, चैतन्य की दुनिया और मटेरियल की दुनिया। मटेरियल से चैतन्य की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती, अर्थात हम सुविधा जो मटेरियल है उसका प्रयोग शरीर के पोषण, संरक्षण और सदुपयोग के लिए तो कर सकते हैं, उससे वो संभव है। लेकिन जैसे ही हम उससे अधिक के लिए सुविधा को इन्वेस्ट करने जाते हैं, अर्थात उससे भाव पाने सुविधा से, या फिर सुविधा से सुख, निरंतर सुख पाने, वहां पर हम एक लूप में फंस जाते हैं और जितना हम जुटाते हैं वो कम ही पड़ता है, क्योंकि वो उस नियम से होने का, उस विधि से होने का कोई प्रक्रिया वो है नहीं कि हम सुविधा से भाव पाले या सुविधा से निरंतर सुख पाले, इसकी संभावना नहीं है। लेकिन जब हम इस विधि से करने जाते हैं तो हमको सुविधा की आवश्यकता असीमित दिखने लगती है और एक चक्र में हम अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं। जितना सुविधा जुटाते जाते हैं, दरिद्रता के भाव भी बढ़ता ही चला जाता है। हम सब अपने परिवारों में पिछले लंबे समय से कुछ प्रयास कर रहे हैं, कहीं इसी चक्र में तो नहीं कर रहे हैं। इसको ऑब्जर्व करने का काम पीछे हम लोगों ने किया, फिर इसको और आगे बढ़ाया हम लोगों ने कि मानव सेल्फ और बॉडी दोनों के का कोएग्जिस्टेंस तो है, लेकिन केंद्र में क्या है, शरीर या बॉडी, शरीर या सेल्फ। जब हम ध्यान नहीं देते कई बार शरीर को केंद्र में रख के जीते, अर्थात शरीर के लिए जो सुविधा आवश्यक है उतने भर फोकस होके, शरीर को अनुकूल संवेदना मिल जाए उतने भर फोकस होके, शरीर को हम सजा सके उतने भर फोकस होकर जिंदगी का प्रोग्राम बनाते रहते। एक बार जब ये ध्यान जाता है कि शरीर भी है, सेल्फ भी है और सेल्फ सेंटर में है, तो सेल्फ को ठीक से समझ सके, सेल्फ में सह स्वीकार भावों को समझ सके, उसके आधार पर हम अपने भाव विचार को ठीक कर सके, हमारे सेल्फ में एक व्यवस्था हो सके, हार्मनी हो सके, ये भी हमारी जिंदगी का एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में बन के आता है। तो जितना ध्यान हम शरीर पर दे रहे हैं, कम से कम उतना सेल्फ पे देना शुरू करते हैं। धीरे धीरे पता चलता है इस शरीर की आवश्यकता है तो मेरे को पूरा करना मेरी जिंदगी का कंप्लीट कार्यक्रम नहीं, जिंदगी का कंप्लीट कार्यक्रम तो निरंतर सुखी होना है। उस क्रम में मैं शरीर के पोषण, संरक्षण, सदुपयोग का भी ध्यान रखता हूँ और उससे जो अधिक है वो भी करता हूँ। तो क्या है उससे अधिक, तो अपने को, एंटायर एग्जिस्टेंस को समझना, उसमें अपनी भागीदारी को समझना, अर्थात अपने स्वभाव को समझना, तो वैसा अपना भाव विचार सुनिश्चित करना और वैसा व्यवहार कार्य व्यवस्था में भागीदारी करते हुए बाहर जीना। तो उस क्रम में हम लोगों ने सेल्फ को समझने का काम कल शुरू किया था। तो कल्पनाशीलता पे कल बात हुई थी कि जब हम सेल्फ को समझने जाते हैं तो अपनी तरफ ध्यान देते हैं, हम बाहर की गतिविधियों में इन्वॉल्व हुए बगैर थोड़ी देर अपने साथ बैठते हैं, तो ये पाते हैं कि बहुत सारी गतिविधियां बाहर चल रही हैं, आवाज आ रहा है, गाड़ियां चल रही हैं, मैदान में बहुत सारी गतिविधियां दिखाई देती हैं, बहुत सारी गतिविधियां शरीर में भी दिखाई देती हैं, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, सांस चल रही है, और भी बहुत सारे एक्टिविटी शरीर में होते हुए दिखाई देते हैं।
लेकिन इन दोनों तरह की एक्टिविटी के अतिरिक्त भी बहुत सारी एक्टिविटी मेरे भीतर चल रही है। मैं सोच रहा हूँ, मेरे अंदर कल्पनाशीलता चल रही है, कभी अपने बारे, कभी दूसरों के बारे, कभी पेड़ पौधों के बारे, कभी वस्तुओं के बारे, कभी कॉलेज के बारे, कभी ऑफिस के बारे। ये सब्जेक्ट बदल रहा है, लेकिन बहुत सारा मेरे अंदर सोच विचार चल रहा है, कल्पनाशीलता चल रही है, उसको मैं अपने भीतर देख पाता। तो कल उसी को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया, तो कल्पनाशीलता को जब हम देखने जाते हैं तो कैसा देखते हैं, ये अपने में एक व्यवस्थित तरीके से चलता हुआ देख पा रहे हैं, या बहुत सारा उसमें जिगजैग है, बहुत सारा हौच पौच है, बहुत सारी अव्यवस्था है, क्या स्थिति है, तो उसको देखने का काम हम लोगों ने किया, तय किया था। और कितना परसेंट उसमें व्यवस्था है, कितना परसेंट अव्यवस्था है, उसको भी देखने का तय किया था। फिर थोड़ा और ठीक ढंग से अध्ययन किया था कि इस कल्पनाशीलता पे मैं इच्छा क्या है, विचार क्या है, आशा क्या है, इसको अलग अलग करके देख पा रहा हूँ क्या। फिर ये भी तय किया था हम लोगों ने कि इसको भी देखें कि जो हमारी कल्पनाशीलता चल रही है, यही हमारे व्यवहार कार्य का आधार है, या हमारे व्यवहार कार्य का इस कल्पनाशीलता से कोई जुड़ाव नहीं। ये भी ऑब्जर्व करने का कोशिश किया था, कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि हमारी ये जो कल्पनाशीलता चल रही है, तो उसका बेस क्या है, वो किस आधार पे चल रही है। तो तीन बेस पहचाने थे कल हम लोगों ने, तीन सोर्स पहचाने थे जिसके आधार पर ये कल्पनाशीलता हमारे भीतर चलती। एक तो संवेदना, दूसरा मान्यता, और तीसरा देखेंगे तो सहज स्वीकृति। कल थोड़ी बहुत बात इस पर किए थे, आज इन सभी मुद्दों पर डिटेल चर्चा फिर करेंगे। तब तक आप लोगों के जो उससे जुड़े हुए प्रश्न या ऑब्जर्वेशन है उस पर बात करते हैं। नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते, सभी को। नमस्ते भैया। जब मेरा कल्पनाशीलता को देखना चाहता हूँ, शुरू करता हूँ, तो विचार आ जाते हैं एक के बाद और दूसरा तीसरा ऐसे। और मैं इसको विचार ही मानता हूँ। अब ये कैसे तीन भाग में बट गया, जैसे कि इच्छा, विचार और आशा, इसमें थोड़ा मेरा कंफ्यूजन है। और कल्पनाशीलता को लेके हम ये तीनों को पर अलग अलग देखना जरूरी है या ये जरूरी नहीं है, थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए। शुरू में जब इस काम को शुरू करते हैं भैया, तो बहुत सारा विचार, आशा, इच्छा, ये सब मिलके ही चलता हुआ अपने भीतर दिखाई देता है। और तीनों को शुरू में तो अलग अलग करने में थोड़ी कठिनाई होती है, खास तौर से तब जब हम अपनी इस कल्पनाशीलता को देखने में थोड़े स्टेबल नहीं हुए हैं, बहुत थोड़ा अभ्यास में पक्के नहीं। तो इसलिए शुरू में इसको प्राइमा फेसी समझ लेना तो ठीक है कि इच्छा क्या है, विचार क्या है, आशा क्या है, लेकिन शुरुआती दौर में ही इन सबको हम अलग अलग करके देखने के दबाव में ना, है ना। अच्छा धीरे अच्छा धीरे जब हम थोड़ा और इसमें जब पक जाएंगे तो एक लेवल पे जा करके हम आशा, विचार, इच्छा को अलग अलग और ज्यादा आसानी से कर पाएंगे। शुरुआत में ही अगर उसका दबाव को बहुत लेंगे तो फिर हमारा अभ्यास कई बार कठिन लग जाता है, बाधित होने लगता है। पर हाँ, समझ तो लें ताकि देर सवेर जब भी इसकी आवश्यकता महसूस हो हम इसे कर सकें। एक तो ये कहना चाहूंगा भैया, और जी दूसरा ये कहना चाहूंगा कि पहला प्रमुख बात तो ये है कि ये कल्पनाशीलता हमारे भीतर चल रही है, इसको मैं देख पा रहा हूँ कि नहीं, जब भी निर्णय ले रहा हूँ तब देख पा रहा हूँ कि नहीं, है ना। और फिर अधिकतर समय इस कल्पनाशीलता पे हमारा ध्यान बना रह रहा है कि नहीं, जब मैं आराम से बैठकर इस पर ध्यान दे रहा हूँ तब भी, भोजन कर रहा हूँ तब भी, कॉलेज जा रहा हूँ तब भी, मार्केट जा रहा हूं तब भी, क्योंकि हर प्रत्येक क्षण इस कल्पनाशीलता को देखे तो निरंतरता में हमारे भीतर चल रही है, इसलिए जब भी मैं निर्णय ले रहा हूं तो देख पा रहा हूं कि नहीं। पर दूसरा स्टेज ये है कि मेरा ध्यान अधिक से अधिक समय इस पर बना रहे। तीसरा स्टेज ये है कि मेरा ध्यान इस पर निरंतरता में बना रहे कि ये मेरे में क्या चल रहा है। एक प्रमुख बात तो ये है। तो दूसरा फिर प्रमुख बात यह है कि इसमें व्यवस्था चल रही है कि अव्यवस्था चल रही है ना, ये अपने आप में व्यवस्थित होकर चल रहा है या इसमें बहुत सारी अव्यवस्था है। और तीसरा प्रमुख बात यह है कि
जो कुछ भी इस कल्पनाशीलता में चल रहा है, भाव, विचार, आशा, इसका जंबल डब जो कुछ भी चल रहा है, बहुत अलग अलग नहीं करते हैं, बाद में देखेंगे इसको, अगर शुरुआती हमने काम शुरू किया है तो। लेकिन जो कुछ भी चल रहा है उसका सोर्स क्या है, संवेदना है, मान्यता है कि सहज स्वीकृति है। इतने काम को जब हम कर लेते हैं भैया, तो एक तरह से हमारी कल्पनाशीलता में को देखने में भी एक स्थिरता आ जाती है, और उसको और माइक्रो लेवल पे जाकर के अलग अलग करके देखने का हमारा योग्यता भी बढ़ जाता है ना। तो उसको और अच्छे से हम तीनों को अलग अलग करके फिर देख पाते हैं कि इच्छा क्या है, विचार क्या है, आशा क्या है। जी भैया, इतनी जी बात मैं जी कहूंगा, उस पर जो आपका टेक है वो उससे सुनूंगा। हाँ यस। और दूसरी बात है कि एक एक विचार तो आता है, फिर दूसरा विचार भी आ जाता है, तो ये जो इनके बीच में मैं कैसे क्या करूं, उस समय कैसे देखूं कल्पनाशीलता को, कैसा पहला गुरुत्वपूर्ण है और दूसरा, और ऐसे तीसरा पहले चौथा इस ऐसा आ जाता है। जी जी, तो अभी जब हम लोग शुरू में उस कल्पनाशीलता को देखने का अभ्यास करते हैं, तो एक तो ये कई बार ऐसा लगता है कि टुकड़ों टुकड़ों में हमको दिख रहा है ना, उसमें कंटिन्यूटी हमको नहीं दिख रही है। तो ठीक ढंग से जब आगे बढ़ेंगे इस अभ्यास में, तो ये दिखता है भैया कि बहुत सारा हमारे भीतर विचार चल रहा है। वो विचार या तो हम अपनी किसी आशा को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, या किसी इच्छा को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, है ना। तो ठीक ढंग से देखेंगे तो हमको कोई खाने का आशा है कि किसी चीज के स्वाद से हम सुखी हो जाएं, तो कई बार हम विचार उस आशा को, उस स्वाद हमको का भोजन हमको मिल जाए उसके लिए विचार चलाने लगते हैं। कई बार हमें इच्छा होती है कि शरीर के पोषण के अर्थ में भोजन करना है, ऐसी इच्छा है, तो पोषण कैसे हो सकता है, क्या भोजन लिया जा सकता है, किस प्रकार का भोजन लिया जा सकता है, उसका विचार करते हैं। तो हम अपने विचारों को देखेंगे तो या तो वो किसी आशा से गवर्न हो रहे होते हैं, या फिर किसी इच्छा से। तो ठीक से जी देखेंगे तो अभी विचार टुकड़ों टुकड़ों में दिख रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे की जो इच्छा है उसको हम नहीं देख पा रहे हैं, है ना। तो देखेंगे तो उस विचार से जुड़े हुए इच्छा हमारे अंदर बनी रहती है, और एक ही इच्छा से जुड़े हुए कई सारे विचार चलते रहते हैं हमारे भीतर, जो स्वयं होते रहते हैं। कि जैसे शरीर के पोषण के अर्थ में भोजन करना, तो एक तरह का विचार चलता है कि सब्जी खा ले, चावल खा ले, दूसरे तरह का विचार चलता है दाल खा लो, रोटी चाहता है फल खा ले, तो बहुत सारे विचारों में स्वेचिंग स्वेपिंग होते हैं। लेकिन उसके पीछे जाएंगे बैकग्राउंड में, तो शरीर का पोषण हो सके ये भाव हमारा बना हुआ है। तो विचारों में बीच बीच में हमको गैप दिखता है कि एक विचार के बाद दूसरा विचार, बीच में कुछ गैप सा। लेकिन उसके बैकग्राउंड में जाते हैं तो दिखता है कि पोषण का जो भाव है वो तो बना ही रहता है, चाहे इस विचार को चलाओ, चाहे दूसरे विचार को चलाओ, चाहे तीसरे विचार को चलाओ। तो फिर इस पूरे की कनेक्टिविटी को मैं, पूरे थ्रेड को मैं देख पाता हूँ। अच्छा जी, तो ये मैं देख सकता हूँ हर समय कि ये सहज स्वीकृति के बराबर है। हर समय ये सहज स्वीकृति से ही जुड़ा है, ये आप देखेंगे तो ऐसी स्थिति हो भी सकती है आपकी, और नहीं भी हो सकती है। क्योंकि कई बार जो हमारी इच्छा है, इच्छा में जो भाव बन रहा है वो सहज स्वीकृति से भी आ रहा होता है, मान्यता से भी आ रहा होता है ना। जी। तो जरूरी नहीं होता, जब मान्यता से आ रहा होता है तो हमारी कल्पनाशीलता एक ढंग से चलती है, जब सहज स्वीकृति से निर्धारित हो रहा होता है तो कल्पनाशीलता दूसरे तरीके से चलती जी, है। जी, तो दोनों ठीक का है ही सर। वहां जंबल डप हो सकता है, उसको आप हाँ जी ध्यान देंगे तो ठीक से देख पाएंगे। जी, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। भैया नमस्ते। नमस्ते स्मृति जी। भैया मेरा अभी दूसरा प्रश्न एक और बना। एक प्रश्न मैंने अभी इंग्लिश सेशन में पूछा था, ये जो एक चौथा पॉइंट था कल के असाइनमेंट में, कि जब हम बाहर की चीजों को देखते हैं और उसके बाद बहुत सारी इच्छाएं और कल्पनाशीलता चलती है, और जब हम अपने अंदर को देखते हैं तो हम पाते हैं कि एक ही चीज है कि निरंतर सुख पाना, यही हमारी एक इच्छा है। तो लेकिन भैया मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, जब मैं अपने आप में देखने लगती हूँ तो मैं बहुत और असहज हो जाती हूँ, और बहुत सारी कल्पनाशीलता अपने आप को लेकर चलने लगती है। कि जैसे मैं इस साल अभी काम पे नहीं जा रही हूँ घर पे, तो मुझे वापस काम पे लौटना है,
या मुझे यहाँ नहीं रहना है गुड़गांव में, मुझे वापस पुणे जाना है, ये सारी चीजें अपने आप का एक आइडेंटिटी क्राइसिस। तो इतना ज्यादा वो असहज, मतलब जब मैंने ये सब अपने आप में देखना शुरू किया तो और ज्यादा मैं वो हो गई, रेस्टलेस हो गई, डिस्टर्ब हो गई। जबकि वो बाहर की कल्पनाशीलताएं जो थोड़ी बहुत थी कि ये करना है वो करना है, उसमें फिर भी मैं बहुत आराम में थी। लेकिन अपने आप को अंदर देखने जब बैठी तो जो निरंतर सुख पाने वाली जो बात है, तो मैं वो नहीं कर पा रही हूँ भैया। और इसको मैं कैसे ठीक करूँ? जरूर, मेरे को ध्यान है, मैं एक बार पंजाब में वर्कशॉप ले रहा था, 8 दिन का फेस टू फेस वर्कशॉप था। तो जी डे वन पे मैंने काफी इस पर चर्चा किया कि अपनी कल्पनाशीलता को देखें। कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोग उसको अवॉइड करते रहे। डे टू पे मैंने और फोर्स लगाया थोड़ा, सबको और उस पर चर्चा किया, और पिन पॉइंटेड जगह पे लेके आया, और ढंग से उस पर एक वातावरण बनाया कि उसको सभी लोग देखें। कुछ लोगों ने और देखना शुरू किया। डे थ्री पे मैंने फिर पूछा कि कितने लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, फिर इंडिविजुअली पूछना शुरू किया इस पर ना, थोड़ा और उस पर मैंने समय लगाया। तो एक पार्टिसिपेंट थे, वो बहुत नाराज हो गए, जोर से बोले कि सारी समस्याओं की जड़ आप। अच्छा मैंने कहा क्यों? बोले कि बढ़िया चल रहा था, खा रहे थे, पी रहे थे, घूम रहे थे, फिल्म देख रहे थे, आप आ गए और शुरू हो गए कि अपने भीतर देखो, अपने भीतर देखो। हम जब भी पहले दिन अपने भीतर देखने की कोशिश किए तो वहां तो क्योस मचा हुआ है, वहां दुनिया भर का हलचल चल बहुत रहा है, दुनिया क्लासेस भर का विरोध चल रहा है। हम तुरंत उससे बाहर भागे, उसको छोड़कर फिर खाने पीने लग गए, फिर बाहर की चीजों में इन्वॉल्व हो गए। अगले दिन फिर सुबह 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 आप शुरू हो गए तो भीतर देखिए, और आज तो आपने हद ही कर दी, एक एक आदमी से पूछ रहे हैं। सारा क्योस की जड़ आप है, आपने मेरी जिंदगी में सारा क्योस खराब कर रखा है ना। मैंने उनसे पूछा, ये बताइए कि ये जितना कुछ भी आपने जो भी थोड़ा बहुत देखा अपने भीतर विचारों में, ये मैंने आपके भीतर चलाया है या पहले से ही ये सब आपके भीतर चल ही रहा है? आप जी। पहले ध्यान नहीं दे रहे थे, अभी ध्यान दिए हैं तो दिखने लगा। आपका क्या उत्तर है दीदी इसको लेकर? ये 5-7 दिन से जो अभ्यास कर रहे हैं उसके कारण चलने लग गया है, या वो सारी चीजें जितने विषय है जिस पर वो चल रहा है वो सब पहले से ही आपके लिए महत्वपूर्ण थे और वो आप में चल ही रहे थे, आप ध्यान नहीं दे रही थी, ध्यान अंदर की जगह बाहर दे रहे? क्या स्थिति, क्या इसका मैं विश्लेषण? भैया मैं ये कहूंगी कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, और ये मतलब ये हरगिज ये नहीं है कि अभी चल रहा है, ये पहले से ही चल रहा है, और ध्यान नहीं दे रही हूँ ये भी नहीं है, लेकिन उससे निकल जी नहीं पा रही हूँ। ध्यान हाँ, मुझे और एक सब तो है। महत्व जी तो एक तो महत्वपूर्ण बात ये थी कि पहले ध्यान भी था इस पर भी और बाहर पे भी। तो जब जी भी भैया अंदर से बेचैन होते थे, बाहर की चीजों में अपने को इन्वॉल्व कर लेते थे, है ना, फिर उधर से जब थोड़ा बोर होते थे फिर भीतर देखते थे, इस तरह से स्विचिंग कर रहे थे। अभी देखेंगे तो कुछ दिनों से थोड़ा डेडिकेटेड इस पर हम अभ्यास कर रहे हैं। जी तो ये भैया ठीक वैसे ही है, ये ठीक वैसे ही है दीदी, कि बहुत दिनों बाद कहीं से आप अपने घर आए तो 1-2 साल बाद, और घर का दरवाजा खोले तो भीतर सब बढ़िया मिलता है या बहुत सारा धूल, बहुत सारी गंदगी जमी मिलती है? जी, गंदगी मिलती है, धूल शर्म साफ। अब मेरे पास 2 स्टेप है, या तो मैं वापस दरवाजा बंद करके बाहर ही जिंदगी बिताऊं, या फिर थोड़ा देर बैठूं, चाय पानी पीऊं, थोड़ा रिलैक्स हो पड़ोसी के घर में, फिर साहस जुटाऊं और वापस घर की सफाई में लग जाऊं 1 दिन 2 दिन 7 सप्ताह भर, फिर घर साफ हो जाए, फिर आराम से रहूं। दोनों में से कौन सा रास्ता लेना पड़ेगा, कौन सा रास्ता लेना ज्यादा ठीक है, अगर मैं कहूँ स्पष्ट? आराम में रहने के लिए तो सफाई करना जरूरी है, ये तो मैं जी जान जी रही हूँ। हाँ, तो इसलिए ये सब जो अभी आपको दिख रहा है कि बहुत सारा अंदर विरोध चल रहा है, बहुत सारे कंट्राडिक्टरी थॉट चल रहे हैं, कुछ ऐसे भाव चल रहे हैं जो आप ही को स्वीकार नहीं है, कुछ ऐसी आशाएं बनी हुई हैं जो लगता नहीं है पूरी हो पाएंगी, उन सब का अपने भीतर अनकंफर्ट है, डिस्टरबेंस है। अब हम उसको धैर्य पूर्वक धीरे धीरे ध्यान दें,
ना, जब भी अपने में बेचैनी हो रही है तो देखें ये जो कुछ भी कल्पनाशीलता मेरे अंदर चल रही है जिससे मैं बेचैन हो रही हूँ उसका सोर्स क्या है, संवेदना है, मान्यता है या सहस्वीकृति है ना। हर बार इसको चेक करें तो बहुत बार आप पाएंगे कि जो कुछ भी इस कल्पनाशीलता में चल रहा है उसका सोर्स या तो संवेदना है या मान्यता है। कभी कभी ये भी पाएंगे कि सहस्वीकृति है। फिर आप ये भी ऑब्जर्व करें अपने भीतर कि जब भी मेरे ये कल्पनाशीलता सहस्वीकृति के आधार पर चल रहे हैं तो मैं आराम में हूं कि बेचैन, जब भी मेरी कल्पनाशीलता संवेदना और मान्यता के आधार पर चल रही है तो मैं आराम में जा रही हूँ, आराम में हो रही हूँ या बेचैन हो रही हूँ। तो ये दिखेगा कि कल्पनाशीलता से सिर्फ मैं बेचैन या दुखी या अनकंफर्टेबल हो रही हूँ ऐसा ही नहीं है, कुछ कल्पनाशीलता ऐसी चल रही है जिससे मैं आराम में आती हूँ, जिसकी निरंतरता मैं चाहती हूँ। कुछ कल्पनाशीलता ऐसी चल रही है जिससे मैं बेचैन हो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, ये दोनों ही स्थिति दिखेगी। फिर ये जी दिखेगा कि कल्पनाशीलता प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है कि मेरी जो कल्पनाशीलता चल रही है जिसको सहज स्वीकृति के आधार पर मेरे स्वभाव के आधार पर चलना था, मैं उसकी जगह उसको संवेदना या मान्यता से चला रही हूँ। तो अगर मैं अपनी संवेदना और मान्यताओं का ठीक ठीक मूल्यांकन कर सकूं और उसका मान्यताओं को ठीक कर सकूं और संवेदनाओं का सदुपयोग कर सकूं तो ये कल्पनाशीलता में निरंतर एक हार्मनी हो सकती है, मैं निरंतर कंफर्टेबल जगह पे आ सकती हूँ। इसलिए कल्पनाशीलता पे काम ना करो, उसकी जगह मैं और गहराई से काम करूँ कि इसका सोर्स क्या है, संवेदना है मान्यता है। अगर संवेदना मान्यता है तो आप आराम में ही रहेंगे, आपकी कल्पनाशीलता में हार्मनी ही रहेगी, इसकी गारंटी नहीं है, हो भी सकती है जी नहीं हो सकती। अगर मान्यताएं ठीक होंगी तो हार्मनी हो सकती है, मान्यताएं ठीक नहीं होंगी तो डिसहार्मनी हो सकती है। लेकिन सहज स्वीकृति के आधार पर अगर आपकी कल्पनाशीलता चल रही है हार्मनी ही होगी, इसकी गारंटी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं मानिए, मैंने कई सारे जी स्टेप्स का निष्कर्ष आपसे कह दिया है, हो सकता है ये जी सारे स्टेप चलने में आपको कई दिन लगे, लेकिन धैर्य जी पूर्वक चलते रहिए, आप भी उस निष्कर्ष तक पहुंचेंगी, ये मैं कहना चाहती हूँ। भैया, मान्यता तो मतलब जो मान्यताएं हैं वो इतनी गहरी हैं, अपने आप से इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं, और मैं वो कर नहीं रही हूँ या कर नहीं पा रही हूँ ये मुझे पता नहीं है, लेकिन पता नहीं वो कैसे निकलेंगे। जी तो पहला स्टेप तो उसका यही है कि एक्सपेक्टेशन के पीछे कुछ विचार है, विचार के पीछे कुछ इच्छा है ना। तो किसी इच्छा को पूरा करने के लिए विचार कर रही हूँ, उसको पूरा करने के लिए कुछ एक्सपेक्टेशन है ना। तो जी ठीक, देखो तो आइडेंटिटी क्राइसिस एक शब्द आपने प्रयोग किया जी है ना। तो मेरी ये आशा है कि लोग मेरे को पहचाने, लोगों में जी मेरी भाई पहचान बने, जी और ठीक ढंग से देखेंगे तो उसके लिए आप बहुत सारा विचार दौड़ा रही होंगी कि ये कर लो वो कर लो, इससे लोगों का मेरे पर ध्यान जाएगा, फिर लोग पहचान पाएंगे मुझे, है जी ना। उससे जी जुड़ी कुछ भाई इच्छा बनी है आप में कि जब लोग मेरे को पहचानेंगे, मेरे पर ध्यान देंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगी। जी अब आप इन तीनों को जांच के देखिए, है ना। अच्छा तो उसको जो स्रोत जिस जगह पे पहुंचे कि वे लोग आप पर ध्यान देंगे, आपका सम्मान करेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। तो पहले तो यही जांचिए कि जब लोग आपको पहचानते हैं, आप पर ध्यान देते हैं, तो क्या वो सम्मान है या वो सम्मान नहीं है। जरूरी जी वो सम्मान ही होगा, जी नंबर 1। नंबर 2 है ना, कि जी जब भैया लोग आपको पहचान रहे हैं, लोग हम पर ध्यान दे रहे हैं, है ना, जहां जी जहां लोग आपको भैया पहचानते हैं ध्यान देते हैं, वहां वहां उनके बीच में हम रह के सुखी ही होते हैं क्या। तो हाँ ये भी है आप कृष्ण लोगों को घर के साथ घर में रहती हैं, सब जी लोग जानते हैं पहचानते हैं, जितना जानते पहचानते वो है, शायद बाहर वाले उतना नहीं जानते पहचानते हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल वहां हाँ आप सुखी ही हो जाती हैं क्या। तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ये हमेशा वहां ऐसा सुखी नहीं है, रहती हूँ। तो ये पता चलता है कि मैंने अपने भीतर एक मान्यता बना रखी है कि मेरी पहचान बढ़ेगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये जी मान्यता सही नहीं है मेरी। सही क्या है कि जब मैं सही को समझकर सही भाव विचार के साथ, अर्थात अपने स्वभाव को समझकर वैसा भाव विचार सुनिश्चित करके जीती हूँ, तो 10 लोगों के बीच में घर में भी सुखी रह पाती हूँ, कभी कभार जहां मिलना है वहां भी सुखी रह पाती हूँ।
अच्छा तो आइडेंटिटी क्राइसिस जैसे मान्यता है जो मैंने अपने भीतर मूल में बना ली है, मैं उसको मूल्यांकित कर पाती हूँ धीरे धीरे, वो है ना, और ठीक जी, होता है और मैं उससे बाहर निकल पाती हूँ। फिर मैं पहचान पाने के लिए बाहर व्यवस्था में भागीदारी नहीं करती हूँ, बल्कि मैं अपने आप में व्यवस्थित हो चुकी हूँ, अपने स्वभाव को पहचान कर, अपने सहज स्वीकृति को समझ कर, वैसा भाव विचार करके अब बाहर भी लोगों का ध्यान दिला सकूं कि वो भी अपने भीतर ध्यान दें, अपने स्वभाव को समझ सके, अपने सहज स्वीकृति को समझ सके, और वो भी अपना भाव विचार ठीक कर अपनी बेचैनी से आराम पा सके। उसके बाद जब आप लोगों को इस आराम तक पहुंचा पाती हैं, सहयोगी हो पाती हैं, फिर उनमें जो स्वीकृति आपके लिए बनती है वो जी स्वीकृति भैया, सस्टेनेबल होती है। यस, किसी सुविधा, किसी और तरह के आकर्षण से हम जब लोगों पर पहचान बनाने का प्रयास करते हैं, तो वो स्वीकृति, वो जो स्वीकृति होती है वो बड़ी कंडीशनल होती है, बहुत क्षणिक होती है ना, जी भैया, वो बहुत जी उसमें भैया, रैंडमाइजेशन होता है। और आप ही अपने में जांच कर देख लीजिए कि क्या सहज स्वीकार है ना, कंडीशनल जी स्वीकृति सहज स्वीकार है या अनकंडीशनल। नहीं, कंडीशनल तो नहीं है सर स्वीकार। तो हम बहुत सारा कंडीशनल स्वीकृति बनाने के लिए बहुत तरह के प्रोग्राम अपने विचार चलाते रहते हैं, और वो इसलिए क्योंकि हमारी जो इच्छा है उसमें एक मान्यता बैठी। जी भैया, जी इसलिए जब हम इसको धैर्य पूर्वक अपने भीतर देखेंगे तो पूरी श्रृंखला को देख पाएंगे, उसके पीछे की मान्यता को देख पाएंगे, उसको जांच पाएंगे, उसको ठीक कर पाएंगे। जैसे ही आप देखेंगे उस पर ध्यान गया और आपने ठीक किया, उससे जुड़ी हुई जो विचार श्रृंखला चल रही थी, आशाएं बनी हुई थी, वो व्यवस्थित होती हैं, और जो बेचैनी आप महसूस कर रही थी, तत्क्षण आप उस पे है ना आराम महसूस करने लगती है। तो जैसे आप इसी क्षण आप अपने से पूछ के देखिए है ना कि कंडीशनल स्वीकृति सहज स्वीकार है कि अनकंडीशनल, तो उत्तर पाया आपने अनकंडीशनल है ना। तो जो यस, अनकंडीशनल स्वीकृति है के लिए विचार चला है कि क्या करें, तो क्या विचार है कि भाई दूसरे को हम संबंधी के रूप में स्वीकार के देख पा रहे हैं, वो हम पर ध्यान दे तो भी ना दे तो भी है ना, हम उसके भैया, आराम में आ जाने के लिए, अपने आराम में बने रहने के लिए क्या क्या करना है इस पर विचार चला रहे हैं, उसके अनुरूप अपनी आशाओं को सेट कर रहे हैं, उसके अनुरूप बाहर व्यवहार कार्य कर रहे हैं। आप इस जी विचार को खूब फैला लीजिए और देखिए कि पहले जैसी बेचैनी है क्या आप में, या आपका आराम बढ़ता जा रहा है। जी भैया, इन चीजों को अपने भीतर थोड़ा जांचिए, देखिए, और जी ये तो होगा ही, हम सभी के साथ ही, हम लोगों ने नई नई इस यात्रा को शुरू किया है, तो हम सभी लोग जब भी ध्यान देंगे बहुत सारे ऐसे विचार चलते हुए पाएंगे, कल्पनाशीलता चलते हुए पाएंगे, जिसको देखते हुए हम बेचैन हो जाएंगे, है ना। जी इनफैक्ट सही कहें तो हम ऑलरेडी बेचैन हैं, क्योंकि वो बेचैन हमारे है। भीतर चली रही है, हम ध्यान दें या ना दें, है ना। हम उस बेचैनी से बचने के लिए बाहर आने अन्य चीजों में अपने को उलझाए रहते हैं, उससे बेचैनी खत्म थोड़े होती है, वो एक्यूमुलेट होती जाती है, और उम्र जी बढ़ने के भैया, साथ हमारा इरिटेशन बढ़ता चला जाता जी भैया, है। तो ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, हमें थोड़ा समय यस, लगेगा, धैर्य पूर्वक इस पे चलना है, लेकिन जी परिणाम भैया, इसका ठीक। थैंक यू भैया, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं और आज आज नहीं, और ज्यादा इस पे विचार करने वाली हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। धन्यवाद भैया। जी, रेणुका से नमस्ते भैया, नमस्ते। हाँ भैया, आप भी जैसे कह रहे थे कि विचार चलते हैं, ठीक है, हम जब विचार चला रहे होते हैं या एकदम हमारा मूड ऑफ हो जाता है, जैसे हम विचार, आप विचार को बोल रहे हैं कि विचार चल रहे हैं, पर वो उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे होते, वो मान्यता कैसे है, समझ ले, नहीं समझ में आ रहा है मेरे को। मैं क्योंकि इन दिनों चल रहा है मेरे अंदर विचार, मैं बहुत ज्यादा विरोध में रहती हूँ, और उस विरोध के कारण बहुत सारी चीजें भी कट रही हैं, जी पर उसको मैं जी आप प्रश्न पूरा कर लीजिए। उन विचारों से मैं परेशान तो बहुत हो रही हूँ, मेरी वजह से बहुत लोग भी परेशान हो रहे हैं, पर भैया मैं उनको समझ नहीं पा रही कि मैं उनको अपने आप को उन विचारों को कैसे मोड़ूं, क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आया, या ना मैं अपना क्वेश्चन आपके पास रख नहीं पा रही, मैं मैं आपके उन क्वेश्चन विचारों जो से समझा परेशान वो बहुत हूँ। जी, तो जो भी तो प्रश्न मैं आपका समझा हूँ वो मैं बता देता हूँ, मैं प्रश्न ठीक समझा हूँ या नहीं वो आप बताइए। आपके प्रश्न को मैं ऐसा समझा हूँ कि आप ये कह रही हैं कि मैं अपने विचार, बहुत सारे विचार चलता हुआ देख रही हूँ,
मैं उसको कंट्रोल करना चाहती हूँ, कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, तो बहुत परेशान हूँ, बार बार एफर्ट कर रही हूँ लेकिन उसमें कुछ सफलता नहीं मिल रही है, तो क्या करूँ? ऐसा आपका प्रश्न है, क्या मैं ठीक समझ हाँ पाया जी आपके भैया, प्रश्न को? हाँ जी भैया, ठीक कह रहे हैं आप। जी, तो दीदी देखने जाएंगे तो आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, इनफैक्ट आप ही अपने आप से उस प्रश्न को पूछ के उत्तर दीजिएगा। आपको विचारों को कंट्रोल करना सहज स्वीकार है या उनको व्यवस्थित करना सहज स्वीकार? व्यवस्थित करना, व्यवस्थित, तो उसके लिए व्यवस्था क्या है ना, और किस भागीदारी से वो व्यवस्था बनी रहेगी? उसको समझ लेंगी तो वो व्यवस्था कर पाएंगी या उसको समझे बगैर भी व्यवस्था हो सकती? उसको समझ लूंगी तब व्यवस्थित कर पाऊंगी। कब होगा? हाँ, अभी प्रॉब्लम यही है कि हम कंट्रोल जब करने जाते हैं, कंट्रोल तो बिना समझे भी किया जा सकता है ना, करने का प्रयास किया जा सकता है, ऑल्दो कुछ कंट्रोल होता नहीं है हाँ ना। जी, तो एक तो वो है, तो व्यवस्था को जब हम समझते हैं, व्यवस्था में हमारी क्या निश्चित भागीदारी है उसको समझते हैं, तो ये विचार भी व्यवस्थित होते चले जाते हैं। अभी क्या हो रहा है कि कुछ विचारों में बहुत सारा हलचल आपको दिख रहा है, आप उस हलचल को या तो रोकना चाहते हैं या उसको थोड़ा अलाइन करना चाहते हैं, है ना? हाँ वहां पर जी, आप अपने आप से पूछिए, जो भी विचार आप में चल रहा है, ये विचार आप किस इच्छा की पूर्ति के लिए चला रहे हैं? तो हम बहुत सारे कपड़े खरीदना चाहते हैं, उनको जो है पहनकर तैयार होना चाहते हैं, इस तरह का बहुत सारा विचार हमारे भीतर चल रहा है ना। घंटों हम इस पर विचार चला सकते हैं, परसों मार्केट जाना था नहीं जा पाए, ये काम आ गया उन्होंने जाने नहीं दिया, ये दिक्कत आ गई, परसों जाऊंगी, ये करूंगी, वहां उस दुकान पे जाऊंगी, ये मैच करूंगी, ये सब विचार श्रृंखला चल सकती है। इसको आप कंट्रोल करने जाएंगे तो और बेचैनी बढ़ती, बल्कि उसकी जगह आप अपने से पूछिए कि इतना सारा विचार जो मैं चला रही हूँ कपड़े को लेकर के, किस इच्छा की पूर्ति के लिए चला रही हूँ? ये कपड़ा खरीदना है, किस इच्छा की पूर्ति के लिए? ये कपड़े मेन खरीदना, भैया, कपड़ा मेरे श्रृंखला अंदर का, एक मिनट दीदी, इसको इस उदाहरण को मैं पूरा कर दूं फिर आपके टेक को लेता हूँ। इसलिए आप इस सारे विचार चला रहे हैं कपड़े को लेकर के, कपड़े से शरीर का सुरक्षा हो, संरक्षण हो, या कपड़े से शरीर का सम्मान हो, है ना सर? लोग उस कपड़े को पहन के मैं जाऊंगी तो लोग मुझ पर ध्यान देंगे, उससे मेरा सम्मान होगा, है ना? मूल में क्या है उस विचार की? तो आप पाएंगे या तो शरीर का संरक्षण जोड़ करके तब कपड़े का भी खरीदने का पूरा चल रहा होगा, या फिर उस कपड़े को पहनकर आप जाएंगे, अधिक से अधिक लोग आप पर ध्यान देंगे, उससे आपको सम्मान मिलेगा और उससे आप सुखी हो जाएंगे, कुछ ये उसके मूल में होगा। तो जो भी विचार श्रृंखला आप देख रही हैं उसके मूल में क्या है ये देखें। अगर मूल में ये है कि वह उससे शरीर का सुरक्षा होगा, तो आप देखेंगे कि कपड़े से शरीर का संरक्षण हो, ये आपको सहज स्वीकार है। जब भी वो उस विचार के मूल में होता है, उसके अर्थ में आप विचार चलाती हैं, तो आप आराम में बनती चलती चली होती चली जाती, आपका आराम बढ़ता चला जाता है। अगर उसके मूल में ये मान्यता है कि उस कपड़े से लोग मेरे को ध्यान देंगे, उससे मेरे को सम्मान मिलेगा और मैं सुखी हो जाऊं, तो आप इसको जांच के देखिए आगे कि बहुत तरह के कपड़े आपने आज तक पहने हैं, बहुत सारे लोग उस पर आपको ध्यान भी दिए हैं, कुछ लोग नहीं भी दिए, लेकिन जितने लोग कपड़े पहनने के कारण आप पर ध्यान देते हैं, क्या सभी आपका सम्मान ही करते हैं? ये जरूरी है क्या? उसको पलट के भी पूछिए कि बहुत सारे लोगों को कपड़े के कारण आप उन पर ध्यान देती हैं, जिन पर आप ध्यान देती हैं उनके कपड़ों के कारण उनका सम्मान ही करती हैं क्या? तो धीरे धीरे हमारी अगर ये मान्यता है तो ये मूल्यांकित होती है, और एक बार ये मान्यता मूल्यांकित हुई और सही जो सोर्स है उसको हम अपने भीतर सहज स्वीकृति को पहचान पाए और वो अब हमारे विचार का सोर्स हो गया, तो आप देखेंगे आपका ये डिसहार्मनी, बेचैनी स्वतः ही आराम में आ जाता है, क्योंकि विचार व्यवस्थित हो गया। इसलिए अगर विचार के को व्यवस्थित करना है तो उसके पीछे की इच्छा को व्यवस्थित करना, इच्छा को व्यवस्थित करने का आशय ये हुआ दीदी कि वो इच्छा मेरी सहज स्वीकृति से जुड़ी है कि नहीं। अगर वो कनेक्शन में नहीं ठीक से बैठा पाया, देखकर मान्यताओं को ही बेस बनाता रहा इच्छा के अंदर, तो विचार कभी व्यवस्थित नहीं होंगे, कभी वो अव्यवस्थित बने ही रहेगा। इतनी बात मैं आपके प्रश्न के संदर्भ में कहना चाह रहा था, लेकिन बीच में मैंने रोका आपको, आप कुछ कहना चाह रही थी, तो दीदी अपनी बात।
मैं आपकी बात तो भैया बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूँ। तो इसमें जैसे अभी मैं बात वही कर रही थी कि मैं अपने रिलेशन को वो संभाल के रखने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। जैसे हलचल तो चल रही है मेरे अंदर, जो हलचल चल रही है वो रिलेशन को ही लेके चल रही है। जैसे फैमिली में भाभी के साथ, भतीजों के साथ, इस टाइप से ना थोड़ा सा परेशान हो रही हूँ। पर अगर मैं ये देखती हूँ कि वो लोग जो चीज मैं चाहती थी वो चीज मुझे मिल रही है उनसे, मेरे दूर होने से, ठीक है। अब जैसे आप बता रहे हो तो वो उस वक्त मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाती हूँ, पर उसको मैं कंटिन्यू रख नहीं पाती, उस रिलैक्स वो उस सुख को, सुख वो सारी चीजें देख के मैं सुखी तो होती हूँ पर कुछ थोड़ी देर के लिए होती, फिर बाद में मैं बेचैन होने लगती हूँ। जी। तो दीदी हाँ, मतलब अगर कोई बहुत इस तरह का स्पेसिफिक मुद्दा है जो आपको बार बार तंग कर रहा है, तो उस पर हम लोग कभी अलग से भी फोन पर बात कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ उतना हम लोग उस पर स्पेंड करके बात ना कर पाए, लेकिन उस अर्थ में इतना जरूर कहूंगा कि एक बार आप जो भी उससे जुड़े हुए आशाएं हैं, विचार हैं, उसके पीछे की आप इच्छा को देखें, और वो इच्छा आपको सहज रूप से स्वीकार है या नहीं है उसको देखें, और उसकी जगह क्या सहज स्वीकार है उस इच्छा को समझकर उसके अर्थ में अगर आप विचार चलाने लगे तो आप देखेंगे कि उस स्थिति में भी आप इससे बाहर आ पाएंगे। लेकिन वो मूल मुद्दा क्या है मैं अभी पूछ भी नहीं सकता आपसे, और मुझे बहुत स्पष्टता भी नहीं है, इसलिए पिन पॉइंटली तो बहुत बात नहीं कर सकता अभी मैं। इस पर प्रक्रिया बता सकता हूँ, ये प्रक्रिया ही है। हाँ, मेन तो ये भी जी है भी कि मैं भी मेन मेन मुद्दे को अपने अंदर को समझ नहीं पा रही। जी तो उसको और थोड़ा एक्सप्लोर करिए, एक आध दिन में अगर कुछ और चिन्हित हो जाए तो हम लोग अलग से भी बात कर सकते हैं, अगर वो बहुत बेचैन कर रहा है तो। अन्यथा इस प्रक्रिया को अगर आप करते रहे तो धीरे धीरे खुद भी उससे बाहर आ जाए। जी ठीक है भैया, धन्यवाद। नमस्ते भैया। पहले नमस्ते भैया, नमस्ते। तो आपने अभी जो एग्जाम्पल दिया बंद घर का, वो जी बहुत सटीक एग्जाम्पल, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल, बिल्कुल। बिल्कुल हाँ अच्छा, अभी मेरा प्रश्न ये था, जो कल जो होमवर्क दिया था उसमें जो चौथा पॉइंट है कि भाई हम निरंतर सुखी होना चाहते हैं, और जो बाहर से होने वाली इच्छाओं वो भी अंततः भीतर के आशा से जुड़ी हुई है, इसको मैं थोड़ा सा बहुत क्लियर नहीं हुआ मुझे। एक बार फिर से थोड़ा अपना प्रश्न रिपीट करेंगे भैया। देखिए मैं इसको ऐसा पढ़ता हूं, एक मिनट। हमने जिन्हें बाहर की इच्छाएं माना था वे सभी अंततः भीतर सुख की ओर ले जाने वाली आशा से जुड़ी है, तो ये इसका क्या भावार्थ है? जी तो देखेंगे ना, तो आप जितने भी विचार चला रहे हैं, जितनी भी आशाएं कर रहे हैं, जितनी भी इच्छाएं आप बना रखे, आप उन जी सब के बारे या उनमें से कुछ के बारे भी जांच करेंगे तो ये पाएंगे कि आप में एक मूल इच्छा, मूल चाहना बनी हुई है जो कभी हाँ बदलती नहीं है, हमेशा स्थिर हाँ बनी रहती है। तो हाँ जैसे आप चाहते हैं कि बच्चे पढ़े, है ना, या आप पढ़े तो ये हाँ आप अब है ना पढ़ के नौकरी करें, नौकरी करके पैसा कमाए, फिर घर को समृद्धि पूर्वक चलाए, तो आप एक एक स्टेप पीछे होते जा रहे हैं। तो अंततः ये प्रश्न आएगा कि घर को समृद्धि पूर्वक क्यों चलाना चाहते हैं, तो ताकि आप सुखी हो जाए, निरंतर सुखी होने की तरफ गति कर पाए। निरंतर सुख हाँ पूर्वक जीने की ओर गति क्यों करना चाहते हैं? अब आप देखेंगे तो इससे आगे ये बात शिफ्ट नहीं होती, दैट्स द एंड। पढ़े क्यों पढ़े, तो सिद्ध हुआ कि पैसा नौकरी पाए, नौकरी क्यों करे, वो सिद्ध हुआ कि पैसा कम, पैसा क्यों कमाए, ताकि घर की आवश्यकता पूरी हो सके, घर की आवश्यकता क्यों पूरी हो, ताकि हम समृद्धि महसूस कर सके, समृद्धि क्यों महसूस करना चाहते हैं, ताकि निरंतर सुख की तरफ गति कर सके, निरंतर सुखी क्यों होना चाहते हैं। अब इसके पीछे अब आप नहीं जा पाएंगे, दैट्स द लास्ट पॉइंट, दैट द मूल, दैट द एंड पॉइंट। इसी को कहा जी मूल चाहना, मूल इच्छा है जी आपको, मूल चाहना है जिसके आगे अब कुछ नहीं है, उसी को बेस बनाकर आगे आप ये सारा कुछ फैला रहे हैं, है ना। जी
कई सारी सब इच्छाएं बना रहे हैं, कई सारे उसके लिए विचार चला रहे हैं, कई सारे उसके लिए आशाएं बना रहे हैं, और ये सब आपके भीतर चल रहा है। वो बाहर से जुड़ी हुई चीजों के लिए भी हो सकती है, आपकी मान्यता पर आधारित भी हो सकती है, आपकी सह स्वीकृति से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। तो अब इसको जब फैला के देखते हैं, तो अगर बाहर से जो भी आशाएं हैं या अपने से जो भी आशाएं हैं, अगर उसको बेस बनाकर हम विचार चलाते हैं, है ना, या उससे जोड़कर कुछ इच्छा चलाते हैं, तो वो व्यवस्थित ही हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि संवेदना या मान्यता से वो ड्रिवन होने लगता है। लेकिन उसी की जगह अगर मेरा आधार मेरी सहज स्वीकृति हो, जो मुझे सहज रूप से स्वीकार्य है, मेरे सहज स्वीकृत भाव, विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता, प्रेम, पोषण, संरक्षण, है ना, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सहज स्वीकार है। ये जो सहज स्वीकार भागीदारी है, वो डायरेक्ट कनेक्ट होती है हमारी कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप उस कहें। पर, हाँ, वो जब बेस में होता है, तो हमारे विचार, उससे जुड़े हुए विचार और आशा, करते समय भी हम सुखी बने रहते हैं। अच्छा इतनी भैया, बात एक को और एक्सटेंड करेंगे। जी, एक मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा था कि अभी कुछ दिनों से ये जो जूम का आप जो यूज कर रहे हैं, और जो आवाज की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, कल जैसे मानव दर्शन में भी कई बार लोगों ने, सभी ने शिकायत की। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर कोई संभव हो, कोई माइक्रोफोन वगैरह यूज करना तो आप देखिए। तो थोड़ा सा क्या होता है कि अगर मैं आपकी आवाज पे बहुत ज्यादा गौर करूं, ये प्रॉब्लम जैसे अभी आपके साथ में ही दूसरे पार्टिसिपेंट बोल रहे हैं, एक तो इंडिविजुअल वेरिएशन होगा कि भाई अरे किसी की आवाज तेज है, किसी की कम है, वो तो अलग बात हो गई। लेकिन अगर संभव हो मतलब, तो कोई माइक्रोफोन यूज करें तो शायद बेटर हो, ऐसा मुझे लगता है। अभी भी आवाज ठीक आ रही है? अभी ठीक आ रही है या अभी आवाज प्रॉब्लम आ है रही थी, अभी ठीक दरमियान? आ रही थी। उसमें क्या होता है कि आप अच्छा, जैसे मैं माइक्रोफोन इधर उधर, यूज कर रहा हूँ, अभी तो मैं अच्छा माइक्रोफोन यूज कर रहा हूँ। अच्छा अभी तो मतलब पहले आप ही की आवाज जो है 10-12 मिनट 15 मिनट पहले कम आ रही थी, जी और कल बहुत जी शिकायत थी। आप भी हाँ कानपुर से जी बोल रहे हैं जी कानपुर से ही बोल रहा और संस्थान से बोल रहे हैं या कहीं बाहर से हैं? हूँ, मैं कानपुर में ही हूँ, कानपुर विश्वविद्यालय में से हूँ। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, जैसे ठीक है। तो मैंने बस मेरा ये मनते हुए जो मुझे लगाव बताया, बाकी सब ठीक जी है। जी जो ध्यान देंगे और ध्यान देंगे, अगर अव्यवस्था हो रही होगी कोई साउंड की प्रॉब्लम के कारण, नहीं, कोई अव्यवस्था तो स्टूडेंट्स नहीं है, करें। अव्यवस्था ठीक है बस थोड़ा सा। धन्यवाद। है ठीक है सर, मैं जितने आपके क्वेश्चन जितने भी पूछ रहे हैं आपसे, रेज कर रहे हैं सब लोग, तो मैं काफी टाइम से यूएचबी से करीबन 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं ये सब मेडिटेशन और सब किया, तो मैं जो फील किया है, जो ये जो पर्सनल टू पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली प्रॉब्लम है, रिलेशंस की प्रॉब्लम्स हैं, ये तो सर जब आप सेल्फ पे ध्यान दोगे या अपने आप को मेडिटेट करोगे, तो ये तो इनसे तो अपने आप ही आप हटते चले जा रहे हो। जो आपकी चाहे इच्छाएं हैं वो भी सीमित होगी, आपके थॉट्स भी है कंट्रोल में आने शुरू हो गए, आपकी जो आशाएं हैं वो भी बड़ी ही सीमित हो जाती हैं। आपका कोई कोई भी, जैसे मैडम जी ने भैया, क्वेश्चन मैं पूछा, सॉरी सॉरी भैया, मैं ये कहूंगा कि सीमित हो जाने की जगह ये कहना ज्यादा ठीक है कि व्यवस्थित हो जाती। हाँ जी, ज्यादा व्यवस्थित हो जाती है सर अपने आप ही ये चीजें। तो जब हम सेल्फ पे कंट्रोल करते हैं तो सारी चीजें अपने आप धीरे 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 सेटल हो ही जा रही नहीं, हैं। तो कंट्रोल की जगह ये कहूंगा कि सेल्फ ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, स्वयं में व्यवस्थित होते हैं। तो हाँ जी, हाँ जी। तो जो जैसे मान लो आपके कुलीग्स हैं, कुछ बोल रहे हैं, ठीक है बोल दिया यार कोई बात नहीं, मतलब पहले जो रिएक्शन आता था बॉडी का, या जो पहले था भी इसने क्यों कह दिया, या मीटिंग्स में रिएक्ट करूं, या मीटिंग को जब आप वो कर रहे हो, तो ये तो अपने आप सर चीजें सॉर्ट आउट होती जा रही हैं, अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही वो करती रहती है। और आप अपने आप में जो आपका भाव है वो बना रहता है, आप मतलब कंटिन्यूसली कोई इमोशंस आपके नहीं बाहर आ पा रहे, आप अग्रेसिव नहीं हो पा रहे, तो ये चीजें तो काफी इसके साथ साथ धीरे धीरे सर अपने आप ही खत्म होती जा रही है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि धीरे धीरे हम जब करेंगे सारा अपने आप पे कंट्रोल करेंगे, या मेडिटेशन करेंगे, या अपने आप को सेल्फ को एकदम वो करेंगे, तो अपने आप धीरे धीरे सब चीजों से तो ध्यान हटता ही जा रहा है सर। तो इसको इस ढंग से कहूंगा कि जितना हम सेल्फ पर ध्यान देते हैं, अपनी कल्पनाशीलता को देख पाते हैं, हाँ और जी, उतना ही हम ध्यान आगे देते हैं तो अपनी कल्पनाशीलता के सोर्स को भी देख पाते हैं कि वो सहज स्वीकृति है, कि मान्यता है, कि संवेदना है। और जितना हम इस पर ध्यान देते हैं, ये देख पाते हैं कि अगर सहज स्वीकृति पर आधारित
इच्छा विचार आशा को चला रहा हूँ, कल्पनाशीलता को चला रहा हूँ, तो मैं व्यवस्थित हूँ, आराम में हूँ, सुकून जी सुखी हूँ। हाँ जी और हाँ अगर जी संवेदना और मान्यता पर आधारित इच्छा को चला रहा हूँ, कल्पनाशीलता को चला रहा हूँ, विचार को चला रहा हूँ, तो उससे मैं सुखी ही होऊंगा, उससे मैं व्यवस्थित ही होऊंगा। ये जरूरी नहीं है, हार्मनी भी हो सकती है, डिसहार्मनी भी हो सकती है। इसलिए अब बिल्कुल करने का काम क्या है कि अपनी कल्पनाशीलता पर ध्यान दे सको, उसका सोर्स क्या है, मान्यता संवेदना या सहस्वीकृति, उसको देख सको। अगर नहीं पकड़ में आ रहा है तो सहस्वीकृति को ठीक से समझ सको, और फिर अपनी जो भी इच्छाएं बन रही हैं उस पर पहले विचार या आशा करने, उसको विचार में फैलाने से पहले ये जरूर चेक कर लो कि वो किसी मान्यता से तो नहीं आ रही है, किसी संवेदना से तो नहीं आ रही, वो सहस्वीकृति से ही आ रही है। इसको जरूर अपने भीतर चेक कर लो, तो मैं ये देख पाता हूँ कि अधिक से अधिक समय मैं कल्पनाशीलता में व्यवस्थित बना रहता हूँ, सुखी बना रहता हूँ। फिर धीरे धीरे जब पूरी तरह से व्यवस्था समझ में आ जाएगी, सभी अपने सहस्वीकृत भाव समझ में आ जाएंगे, हमारी पूरी कल्पनाशीलता अपने सहस्वीकृति के आधार पर निरंतरता में व्यवस्थित कर लेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारी ये हार्मनी भी कंटिन्यूटी में बनी रहेगी। तो ये एक लंबी यात्रा है भैया, और ये हमको ओवरड्राफ्टिंग, ओ जो ड्राफ्टिंग चलती है माइंड में सर, ओवरड्राफ्टिंग चलती है वो भी सब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। कि जी आपका माइंड उसको जो चलते चलते सोचते थे या आप गाड़ी चलाते हो, ध्यान इधर उधर चला जाता है, वो बिल्कुल नहीं हो रहा। कंसंट्रेशन भी पावर बढ़ जाती है धीरे धीरे ना सर। जी, तो इसलिए कल्पनाशीलता आपकी होती नहीं, जो भी चीज मतलब जो आप देख रहे हो वही चीज है। मतलब ओवरड्राफ्टिंग भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है सर अपने आप ही। जी, तो स्टेप बाय स्टेप इस पर बहुत कुछ करना है, भीतर भी बहुत सारा काम है भैया। जैसा बाहर की दुनिया में हमने आज तक इतना काम किया है, हाँ भीतर भी जी बहुत काम होना है। अभी तो काम शुरू हुआ है, यात्रा काफी लंबी है, और शुरुआत में ही इतना कम इनपुट लगाने पर ही बहुत सारी चीजें व्यवस्थित होती हुई दिखने लगती हैं, लेकिन यात्रा अभी काफी लंबी है। कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस को हमको अचीव करना है, तो धैर्य पूर्वक हम सभी को ही उस दिशा में धीरे धीरे चलना है, एक दूसरे का सहयोग करते हुए। जी ठीक, अनिल हाँ नमस्ते भानु भैया। नमस्ते। अनिल नमस्ते, अनिल भैया। हाँ मैंने अभी रिसेंटली 1 महीना पहले ये कानपुर में शिविर किया है, परिचय शिविर। जी तो भगवान भैया के मतलब के माध्यम से मैं वहां गया था। तो भगवान भैया भी हमें यही कहते थे कि मित्तल जी, आपकी 50% यात्रा तो पहले ही मतलब की पूरी हो चुकी है, और वहां पे जाके और परिपक्वता आ जाएगी। तो सही मायनों में अपने लेवल के ऊपर तो हमने काफी व्यवस्थित अपने आप को पहले भी किया हुआ था, अब भी है। बस थोड़ी सी दिक्कत कहीं ये आती है, अभी भी कल ही मेरे बेटे से थोड़ी सी डिस्कशन होके चुकी है। अभी वो पोता जो है 6 महीने का मेरे पास आया, तो उसको थोड़ी सी हल्की हल्की खांसी हो रही थी। उसके मेरे को लग भी रहा था कि छाती थोड़ी जाम है। जब मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा बेटा इसकी इलाज कराओ, किसी आयुर्वेद के पास जाओ। और उसके बाद वो कहता जी पापा ये तो सिर्फ एसी की वजह से। मैंने कहा तो एसी बंद कर दो। कहते नहीं ये तो ऐसे ही चलेगा। मैंने कहा फिर बेटा तुम ये सोचो, वो वहां आके ना थोड़ी सी फसावट होती है मान्यताओं की वजह से। अब उनकी मान्यता इतनी गहरी हो चुकी हैं कि ये तो ऐसे ही चलेगा। हमें इतनी मतलब इरिटेशन होती है कि बच्चों के भविष्य का क्या होगा। ये थोड़ी सी मतलब कि ना कि वहां पे उनको कैसे जी मतलब कि व्यवस्थित करें बच्चों को, और कैसे उनके दिमाग में ये डालें। वैसे तो मेरी कोशिश यही है कि भी जैसे मैं वहां पे जाके परिचय शिविर के अंदर काफी मतलब कि व्यवस्थित हो चुका हूँ, और यात्रा भी चल चुकी है, और यात्रा आगे ये भी मालूम है कि बहुत लंबी है, और अपने आप को व्यवस्थित कर लेंगे। तो थोड़ा सा मोटिवेशन का मार्गदर्शन दो मेरे को, ताकि मैं उनको कैसे मतलब कि भी इसके लिए मोटिवेट कर पाऊँ। वो थोड़ी सी दो ये काम है समस्या है भैया, बच्चे। हाँ दो काम है भैया। एक तो उनको मोटिवेट करना और अपने जी अंदर की मान्यताओं को ठीक करना, ये दोनों हाँ जी जरूरी है, या सिर्फ उनको जी मोटिवेट करना जरूरी हाँ प्रयास से मोटिवेट तो कर ही रहे हैं, बस वो थोड़ा सा है? भैया कठिन मैं कार्य है। फिर से प्रश्न को रिपीट करूं, दो काम है जो आपने बात उठाई। पहला, एक काम तो यह है कि बच्चों को मोटिवेट करना सही के लिए, और दूसरा काम यह है कि अपनी मान्यताओं के प्रति सजग रहकर उसको भी ठीक करना। ये दोनों काम जरूरी हैं या सिर्फ उनको मोटिवेट करना जरूरी है? जी, काम तो दोनों ही जरूरी है जी। हाँ प्राथमिक कौन सा है, जी प्राइमरी काम कौन सा है, मतलब पहले किस पर फोकस किया जाए?
नहीं, अपनी मान्यताओं को तो जहां तक है कंट्रोल कर ही रहे हैं और उनको व्यवस्थित भी कर रहे हैं, हाँ और नहीं, मेरे अभी वापस मैं ये नहीं कह रहा हूँ चलेंगे कि आप नहीं कर रहे हैं, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ना। आप नहीं कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दोनों में प्राइमरी कौन सा है, किसको फोकस किया जाए पहले। एक हाँ, इसी को फोकस कर रहे हैं जी, अपनी मान्यताओं को ही व्यवस्थित करने की कोशिश कर तो रहे जैसे हैं। जितना जितना प्रकरण आपने अभी शेयर किया उसको अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे ये दिखता है कि कहीं ना कहीं हमारे भीतर ये मान्यता बनी हुई है कि बच्चों को बच्चे सही की तरफ मोटिवेट नहीं हो रहे हैं, उससे हम बेचैन हो हाँ रहे हैं, हाँ बस 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 बस, है ना। तो ठीक ये ढंग थोड़ी से समस्या देखेंगे, है। हाँ तो ये मान्यता बनी हुई है कि भाई इससे हम बेचैन, बच्चे के कारण बेचैन हो रहे हैं। मिला के तो यही मान के चलिए जी, बच्चों के कारण ही बेचैन हो रहे हैं, कि भी वो मोटिवेशन का मतलब माध्यम नहीं मिल पा रहा, यानी कि जो मार्गदर्शन का तरीका एक बढ़िया होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। आपकी भानु भैया आवाज थोड़ी मेरे तक नहीं पहुंच पा रही। धन भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। भैया डिसकनेक्ट हुए, 2 मिनट इंतजार। कुछ प्रॉब्लम है मुझे लगता हाँ है भैया, अभी कनेक्ट। चलिए भानु भैया आप थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, भैया ज्वाइन कर। ठीक है, फिर बाद में इसको कल प्रश्न को दोबारा रखेंगे। जी, 1 मिनट के लिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या हाँ यशवंत हाँ जी? भैया, आवाज आ हाँ रही है। तो हाँ भैया, इस स्लाइड में ना एक क्लिक कर दीजिए ताकि तीनों सोर्स भी आ जाएं। हाँ मैं जी, कहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ था भैया, किस जगह से यशवंत वो भैया, नहीं से कहाँ कि तक भी मैं? क्या कि उनकी वजह से ही थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, कि भी उनको हाँ कैसे तो मोटिवेट किया मैं जाए। जी आंसर जब मैं कर रहा था भैया, तो मैं कहाँ पर डिस्कनेक्ट हुआ था यशवंत भैया? जैसे मतलब आप सर, आप ये कह रहे थे कि पर्सन क्या है, आपका पर्सन पे ध्यान दें पहले या समस्या पर ध्यान दें, वहां से जी डिस्कनेक्ट जी हुए थे तो सर। मैं जी, तो मैं ये कह रहा था कि हम जो बेचैन हो रहे हैं उसका कारण क्या है, उसको ठीक से समझ लें तो ठीक तरह से रास्ता निकाल पाए। तो बच्चे जो है ठीक काम नहीं कर रहे हैं उसके कारण बेचैन हो रहे हैं, या हमारे हाँ अंदर कोई ऐसी मान्यता बनी हुई है ना, वो पूरी नहीं हो पा रही है, वो मान्यता ठीक नहीं है, उसके कारण बेचैन हो रहे हैं, है ना। ये मान्यता तो बस ये है ना भानु भैया, हमें तो सिर्फ ये है कि बच्चे भी हमारी तरह थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाएं, सुखी हो जाएं, बस इतना ही एक सोचने वाली बात है, बाकी तो कुछ भी वही नहीं है। उसी को मैं कह रहा हूँ कि मान्यता ये बनी हुई है कि बच्चे हमारी तरह व्यवस्थित हो जाए, है ना। तो आपने हाँ जितना समझ पर समय इन्वेस्ट किया है उसके आधार पर कुछ व्यवस्था के अर्थ में कर पा रहे हैं, उसकी तुलना में बच्चों ने बिल्कुल कितना बिल्कुल अभी बिल्कुल, इन्वेस्ट कर दिया है अपना समय समझ पे, है हाँ, देखो ना। तो ये दिखता है कि आपने थोड़ा अधिक अभी समय तो लगाया है, अधिक मेहनत किया है ना। तो आपकी एक स्थिति बनी, बच्चे ने अभी उतना समय नहीं लगाया है, उतना उस पे उसने उस पे एफर्ट नहीं किया है, अपनी मान्यताओं संवेदनाओं से वो चल रहा है, लेकिन आपके 4 बार कह देने भर से तो उसका ध्यान जाएगा नहीं, वो वैसा नहीं करने लग जाएगा जितना आप समझ के कर पा रहे हैं। तो वो तभी कर पाएगा बिल्कुल जब समझ पर ध्यान जाए। तो अभी आप जो अधिक से अधिक कर सकते हैं ना उसके साथ, कि उसको इतना ध्यान दिला सकते हैं कि भैया सुख के ये 3 स्रोत है, बस 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 बस, संवेदना, दूसरों से भाव पाना, और तीसरा अपने में समझ कर उससे सुखी होना। तीनों सुख के स्रोत का जो सुख है की स्थिति है वो अलग अलग है। संवेदना वाले में निरंतरता नहीं है, अब दूसरों से भाव वाले पाने वाले में भी निरंतरता नहीं है, जो अपने समझ के आधार पर भाव सुनिश्चित करते हैं उसमें निरंतरता संभव है, अपने समझ के आधार बस पर बस जो बस करने बस, जाते हैं उसमें निरंतरता संभव है, ये आप उसको ध्यान दिला सकते हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, ये हाँ जी, सेकेंडरी काम है, हाँ
सेकेंडरी काम है, प्राइमरी काम अपने भीतर बहुत सारा होना है ना। जैसे हमारी एक मान्यता हो ही सकती है कि जितने लोग हमारे संपर्क में हैं सभी समझदार हो जाए पहले, ये भी एक मान्यता है ना। हाँ, बहुत सारे ये लोग जो हमसे मान्यता समझना है चाहते ना, हैं लेकिन हमारे ये पास उनके लिए समय नहीं है। हाँ जी भैया, अलग अड्डा करुण है, मेरा नाम करुण बोल जी सकते भैया, हैं लगे डबे जी भैया, जी। थोड़ा ब्रीफ में रखेंगे क्योंकि अब हम अपने पास समय 2 ही मिनट है। हाँ भैया, तो कल भैया मैं अपने अंदर भीतर देख रहा था, तो मतलब ये तो क्लियर नहीं है कि इमेजिनेशन में कौन सा क्या चल रहा है, वो तो पता नहीं चल रहा है अभी। लेकिन जब बहुत सारे विचार तो सब मतलब कुछ हद तक तो कम हो गई, लेकिन एक तरह से अंदर की सेंसेशन वो दिख रही थी कि अंदर गर्मी थी बहुत। एक्चुअली वो गर्मी या टेंशन से हुई है या खाने से हुई है पता नहीं है, लेकिन और एक चीज थी कि मैं ये जो सहज स्वीकृति के जो विचार हैं, मतलब कि मेरे को तो खुश ही रहना है, तो कुछ विचार चल रहे थे तो उसको वो मतलब जब मैं सोचता हूँ ना कि मेरे को तो खुश ही रहना है, तो ऑटोमेटिकली दूसरे वाले जो विचार हैं वो ऑटोमेटिकली बंद हो रही हैं। तो ये फोर्सफुली मैं खुद ही बंद कर रहा हूँ उसको, या वो अपने आप बंद हो रही है। और एक चीज़, ये तो एक है, और उसी में और एक प्रश्न है कि जो मैं ये भी ना सोचूं कि ये सहज स्वीकृति में मेरे को तो खुश रहना है, कोई मैं ये भी नहीं सोचूं, तो जो चल रहा है उसी को बस देखूं। तो ये थोड़ा इस दो दो विषय में मेरे को तो थोड़ा पहला कीजिए। पहला स्टेप तो यह है कि जो भी चल रहा है उसको देखें। दूसरा स्टेप यह है कि जो भी चल रहा है उसके पीछे की इच्छा क्या है, भाव क्या है, उसको देखें। तीसरा स्टेप यह है कि उसका सोर्स क्या है, मान्यता है, संवेदना है या सहज स्वीकृति है, ये तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप यह है कि जब भी सहज स्वीकृति आधारित कल्पनाशीलता आपकी चल रही है तो आप आराम में है कि बेचैन है, उसको देखें। जब भी मान्यता या संवेदना आधारित आपकी कल्पनाशीलता चल रही है तो आप आराम में हैं कि बेचैन है, उसको देखें। जितना आप ये चौथा स्टेप तक चल के अपने भीतर देखेंगे कि सहज स्वीकृत आधारित कल्पनाशीलता जब भी चलती है आप आराम में रहते हैं, हार्मनी में रहते हैं, सुखी रहते हैं। जब भी मान्यता या संवेदना आधारित कल्पनाशीलता चलती है तो आप सुखी हैं कि दुखी हैं इसकी ये निश्चित नहीं, कभी सुखी होते हैं कभी दुखी होते हैं, उसमें निश्चितता नहीं है ना। लेकिन सहज स्वीकृति वाले में सुखी होने की निश्चितता है। ये स्टेप जितना आप अपने भीतर चौथ को देख पाएंगे उतना आप इस अभ्यास को और निष्ठा से करने के लिए तत्पर हो पाएंगे और अपने भीतर ये काम और गहराई से होता चला जाएगा और भविष्य में जो हम लोग गहरे अभ्यास करने वाले हैं उसकी एक तैयारी हो पाएगी। तो क्रम से ये 4 स्टेप करें। पहला, कल्पनाशीलता को देखें। दूसरा, उसके स्रोत को देखें, कि सोर्स को देखें कि वो मान्यता से है कि संवेदना से है कि सहज स्वीकृति से है। तीसरा, जब आप सहज स्वीकृति से कर रहे हैं तो क्या स्थिति है, और जब मान्यता और संवेदना से कर रहे हैं तो क्या स्थिति है, फिर उसको आगे करते रहे। इतनी बात अभ्यास के क्रम में मैं कहूंगा भैया, है ना।